मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। मुमरा के सोनाजी नगर में बच्चा चोरी के आरोप में एक युवक को पकड़कर कुछ लोगों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी है, मगर मौके पर पहुंची मुमरा पुलिस ने युवक को पकड़ लिया और अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गई है। हालांकि बताया जा रहा है कि ये युवक जो है ये दिमागी रूप से कमजोर है, इसका दिमाग जो है वो सही नहीं रहता है। जानकारी के मुताबिक सोनाजी नगर के मानव एकता चाल में आज सुबह के वक्त एक 4 साल की बच्ची को इस युवक ने गोद में उठा लिया और जाने लगा, तभी लोगों ने देख लिया और इस बच्ची को इससे छीना गया और इस दौरान यहां पर बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई और इस युवक की जमकर पिटाई कर दी गई। हालांकि ये शख्स जिसकी पिटाई हुई है, बताया जा रहा है कि ये भी इसी सोनाजी नगर इलाके में रहता है और इसकी पिटाई के दौरान इसके परिवार के लोग भी वहां पहुंच गए और परिवार के लोगों ने बताया कि इसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं रहता है, इसका इलाज भी चल रहा है, मगर लोगों की भीड़ कुछ सुनने को राजी नहीं थी। भीड़ से इस युवक को किसी तरह से मुमरा पुलिस ने निकाला और अपने साथ मुमरा पुलिस स्टेशन ले गई है। हालांकि जिस परिवार ने इस युवक पर बच्चा चोरी का आरोप लगाया है उन्हें भी मुमरा पुलिस अपने साथ मुमरा पुलिस स्टेशन ले गई है और दोनों तरफ से मुमरा पुलिस जो है इस पूरे मामले की बयान दर्ज कर रही है और आगे की कार्रवाई मुमरा पुलिस करेगी। मगर जिस तरह से बच्चा चोरी की अफवाह दिन ब दिन फैलती जा रही है और एक के बाद एक बेकसूर लोगों की पिटाई का मामला सामने आ रहा है, ऐसे अफवाहों से आपको बचने की ज़रूरत है। अगर कोई भी मामला इस तरह का आता है तो पहले उस शख्स को पकड़ें, पूछताछ करें, उसकी जांच पड़ताल करें कि क्या वाकई में ये बच्चा चोर है या आपके इलाके का रहने वाला लोग है। ऐसी अफवाहों से बचें और किसी भी तरह की मारपीट ना करें। अगर कोई शख्स इस तरह का मिलता भी है तो उसको पकड़ कर पुलिस को सौंप, कानून को अपने हाथ में ना लें। अभी पुलिस आएगी।